Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्योंकि इससे पहले हमने एक ऑनलाइन क्लास या स्टैटिस्टिक्स इसका इंट्रोडक्शन हमने वहाँ पे डिस्कस किया और इसके यूजेस, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर कोई मीन फाइंड आउट करना होगा, टोटल डिविएशन फाइंड आउट करनी होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वहाँ पे आपके पास डेटा कलेक्ट करना होता है. देखो जब यहाँ जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात है, जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है, डेटा को कलेक्ट करना फिर इसको एनालाइज करना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीरीज आज डिस्कस करेंगे. जो टाइप्स ऑफ सीरीज, इसके तीन टाइप्स मेनली, तो फर्स्ट वाला जो इसका टाइप है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. फर्स्ट सीरीज जो है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. एंड इसका जो सेकेंड टाइप है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज. एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज. आज हम ये सीरीज डिस्कस करेंगे. इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज किसे कहते हैं. सो फार एज दिस इंडिविजुअल सीरीज इज कंसर्न, देखो जब आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, हम यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज को एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्लास एक है, 11th क्लास समझेंगे, हमने स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम किया, यानी क्लास 11th को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स से एग्जाम किया है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, दीज आर 100 स्टूडेंट्स. यानी 100 स्टूडेंट्स का हम एग्जाम यहाँ करने जा रहे हैं, तो 10 में से मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स का मैंने एग्जाम लिया है, तो मैंने इनके मार्क्स यहाँ पे कलेक्ट किए इंडिविजुअली. मैंने हर एक स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट किए. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 7 मार्क्स लिए, किसी ने 2 मार्क्स लिए, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 0, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 9 मार्क्स लिए, किसी ने 6 मार्क्स लिए, किसी ने 4 मार्क्स लिए, किसी ने 5 मार्क्स लिए, किसी ने 9 मार्क्स लिए, किसी ने 2 मार्क्स लिए, किसी ने 0 लिया, किसी ने 3 लिए, किसी ने 0 लिया, किसी ने 1 लिया, किसी ने 6. यानी ये हमें 100 स्टूडेंट्स का वो डेटा कलेक्ट करना है. यानी 100 स्टूडेंट्स मैंने एग्जाम, मैंने कहा सिंपली हमने 11th का एग्जाम किया है, स्ट्रेस के 10 मार्क्स से मार्क्स ही, तो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स ही, तो कुछ स्टूडेंट्स देखो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 9, मैंने 19 स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाटा लिखा है. देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हम पूरी डाटा को यहाँ पे सर्वे कर एनालाइज करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है कि अगर हमें क्लास की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करनी होगी, अगर कोई हमसे कहे आप क्लास की परफॉर्मेंस बताओ, तो यहाँ पे ये मुश्किल है कि कितने स्टूडेंट्स ने 9 मार्क्स लिए, कितने, अगर कोई कहेगा कि जरा आप ये बोलिए कितने स्टूडेंट्स ने वहाँ पे 0 लिया. देखो ह्यूज डेटा हमारे पास है, यहाँ पे कलेक्ट करना, इसको एनालाइज करना, तो ये मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि कोई हम यहाँ पे नहीं कह सकते किस कितने स्टूडेंट्स ने 2 मार्क्स लिए ही, 5 मार्क्स लिए, क्योंकि 100, देखो ये सिर्फ 16 17 स्टूडेंट्स का डेटा है. अगर हम 100 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मुश्किल है. इसको हम इसी इंडिविजुअल सीरीज को, इसको एनालाइज करने के लिए, आसान बनाने के लिए, हम डिस्क्रीट सीरीज में इसी इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्क्रीट सीरीज को हम इसको फिर और आसान बनाने के लिए हम कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. देखो जहां तक डिस्क्रीट सीरीज की बात है, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मार्क्स लेंगे और सेकंड कॉलम में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे. फर्स्ट कॉलम में मार्क्स और सेकंड कॉलम में नंबर, जो मार्क्स है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. देखो मार्क्स आपको मालूम है कि 10 में से मार्क्स है, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई 0 लिख सकता है, 1 जो पॉसिबिलिटीज की है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इनके मार्क्स की बात है. देखो आज देखो अब हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे ही कि, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से लिए है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये तो मार्क्स ही, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे ही कि जिन्होंने 0 लिए है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है, क्योंकि इसने भी 0 लिए है, तो इसने भी 0 लिया है, तो इसने भी 0, तो इस डेटा में जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे वहां पे 3 स्टूडेंट्स ऐसे ही जिन्होंने 0 मार्क्स लिया है. अगर हम 1 की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए इसने 1 मार्क्स लिया है, तो इसने 1 मार्क्स लिया है, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे ही जिन्होंने सिर्फ 1 ही मार्क्स लिया. फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने 2 मार्क्स वो 7 स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 3 वो 9, जिसने 5 वो 15, जिसने 4, 5 वो 20. अरे गर्ज ये है, मैंने कहा कि जो लास्ट पे आप जब इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप काउंट करेंगे वो 100 आएंगे, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है. आर यू गेटिंग? यानी देखो अगर आप यहाँ पे इन दो, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, अगर मैं आपसे कहूंगा जरा मुझे बोलिए, अगर आपके पास ये डेटा, आपके पास करेक्ट आपने डेटा किया होगा इस तरीके से, अगर मैं आपसे ये कहूंगा जरा मुझे बोलिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे ही जिन्होंने 3 मार्क्स लिए, तो आप कह सकते हो सर 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 मार्क्स लिए. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 मार्क्स लिए हैं, तो आप कह सकते हो सर 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जनरली 5 मार्क, यानी यहाँ से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो क्लास की परफॉर्मेंस क्या रही है। देखो मगर अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे कि आपने रफली आपने इंडिया आपने डेटा को कलेक्ट किया है 100 स्टूडेंट्स का, मगर हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, कितने एवरेज परफॉर्मेंस क्या क्लास की क्या रही है। मगर अगर हम यहाँ तक डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ अंदाजा लगा सकते, मगर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अगर कोई स्टूडेंट है, इट इज नॉट नेसेसरी कोई 0 लेगा कोई 1, तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसने 1.5 मार्क्स लिए हुए, जिसने 1.5 मार्क्स लिए हुए। तो मगर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे डेट की बात ही नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने 2.5 मार्क्स, किसी ने 3.5, किसी ने 4.5 मार्क्स लिए होंगे। तो इसके लिए इसको हम एनालाइज करने के लिए, आसान बनाने के लिए, हम इस डिस्क्रीट सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। यानी अब यहाँ पे आपको इंटरवल्स की बात आएगी। कंटिन्यूस सीरीज में हम यहाँ पे देखो, जहां तक कंटिन्यूस सीरीज की बात है, इसके भी दो टाइप्स हैं। कंटिन्यूस सीरीज के भी दो टाइप्स हैं। एक सीरीज है दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, एंड सेकंड सीरीज इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। जहां तक इंक्लूसिव सीरीज की बात है, अब हम यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे भी इसी तरीके से हम मार्क्स लेंगे, दूसरे कॉलम में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। अब हम यहाँ पे काम करेंगे मार्क्स 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, या अबो 10 लिख सकते हो। यानी यहाँ पे देखो, यानी मार्क्स यहाँ पे मैंने लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 1 तक जो मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट, यानी 0, देखो यहाँ पे देखो 0, जिन्होंने 0 लिया है वो 3 स्टूडेंट्स, जिन्होंने 2 लिए हैं वो 5, जिन्होंने 1 मार्क्स लिया वो 2 स्टूडेंट्स, यानी 0 से 1 तक के 5 स्टूडेंट्स आते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिन्होंने 0 से 1 तक मार्क्स लिए हैं वो 5 स्टूडेंट्स आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जिन्होंने 2 से 3 तक, यहाँ पे देखो जिन्होंने 2 से 3 तक मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 है, ये 7 है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स आए से ही। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आसानी होगी। यहाँ पे अब पॉइंट इसमें ये 0.5 भी आएगा, मगर यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम है। देखो अगर हम यहाँ पे 1.5 की बात करेंगे, 1 से 0 to 1, मगर 1 से 2 तक जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स लिए, इनको वो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। यहाँ पे आपने किया 0 to 1, 0 to 1 आपके पास 5 है, उसके बाद आपने 2 to 3, मगर वहां पे एक मिसिंग है, दैट इज 1 to 2 से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, तो वो कहाँ पे आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इट इज यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम काम करेंगे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। अब यहाँ पे आप देखिए, अब हम यहाँ पे 0 से 2 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से 2 मार्क्स लिए हैं, यानी जिन्हें 0, इसमें 0 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा। यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे देखो ये 3 स्टूडेंट्स आए से, और जिन्होंने 1 मार्क्स लिए वो 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 हो गए 5, तो 5 स्टूडेंट्स हैं 0 to 2 से 5 स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, जो ये 2 है वो यहाँ में, ये हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे या इसमें इंक्लूड। देखो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जहां तक इस सीरीज की बात है, यहाँ पे आपको ये इंक्लूड करने, यानी 0 से 1, यहाँ पे आपको 1 मार्कस इंक्लूड करना है। जिस तरीके से आपने किया 3 3 + 2, यानी जिन्होंने 0 लिया है वो 3 स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 1 मार्क्स लिया है वो 2 स्टूडेंट्स, तो 5, तो यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड किया है, इसीलिए इस सीरीज का नाम पड़ा है इंक्लूसिव सीरीज। यानी यहाँ पे जो ये वाला साइड है ये हम इंक्लूड करते हैं, तो इसीलिए इस सीरीज का नाम जो नाम पड़ा है वो इंक्लूसिव सीरीज है। मगर हम यहाँ पे इस सीरीज की बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला साइड जो आपके पास है, इसको आपको वहां पे एक्सक्लूड करना है, यानी ये आपको कनेक्ट नहीं करना, जो ये 2 है ये आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर ये आप यहाँ पे एक्सक्लूड करते हो, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। गेटिंग मी, यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया तो इंक्लूसिव सीरीज नाम पड़ा है, और यहाँ पे मैंने जो ये वाला साइड है इसको मैंने एक्सक्लूड किया है, तो इसका नाम एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो यहाँ पे आपको 0 to 2, आपको 2 वाला कंसीडर नहीं करना है, जो जिन्होंने 2 मार्क्स लिए वो आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, वो आपको इसमें कंसीडर करना है। यहाँ पे 4 आपको कंसीडर नहीं करना है, 4 यहाँ पे आपको कंसीडर करना है। तो ये हमने
यहाँ पे तीन सीरीज यहाँ पे डिस्कस किए, इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, फिर डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूस सीरीज, और फिर कनेक्टिव कंटिन्यूस सीरीज के दो टाइप्स हमने और पढ़े, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी फोन किया है कि आप सर स्टैटिस्टिक्स, तो इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें हम वो मेन जो है वो डिस्पर्शन जो है वो, और इंशाल्लाह हम इस यहाँ पे काइस का टेस्ट भी उठाएंगे, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, और सैम्पलिंग भी इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर्स। बी कनेक्टेड, थैंक यू।